टिक्की का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है और आंखों के सामने घूमने लगती है आलू की करारी क्रिस्पी टिक्की। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम मील ओपी पर। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे एक ऐसी टिक्की जिसमें हम आलू का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम ये टिक्की बनाएंगे वेजीज और पनीर के साथ, यानी कि पनीर की वेजिटेबल्स वाली टिक्की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। पनीर टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैन, जिसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल है वो हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड अदरक और इसे हल्का भून लेंगे। अदरक है वो हल्का भून चुका है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और इसे भी भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज है हमने फाइनली चॉप किया है। हम जो भी इसमें सब्जियां डालेंगे वो सारी अच्छे से बारीक बारीक चॉप की हुई लेंगे। इसे भी आधा मिनट तक सौते कर लेंगे। प्याज हल्का सौते हो चुका है। अब इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड टमाटो। इसमें ऐड करेंगे वेजिस, ग्रेटेड कैरेट, ग्रेटेड कॉलीफ्लावर और बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्ची और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सब्जियां हल्के भून चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। सब्जियां हल्की भून चुकी हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सब्जियों को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब तक मिक्सचर ठंडा होता है हम बनाएंगे मैदे की एक स्लरी, यानी कि बारीक पेस्ट, जिसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका पतला घोल तैयार कर लेंगे। मैदे की लंप फ्री स्लरी तैयार हो चुकी है। अब इसे भी एक साइड में रख देंगे। मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ग्रेटेड पनीर तथा बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यदि रिक्वायर्ड हो तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से इस तरह मसलते हुए हल्का हल्का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथों से हल्का हल्का मसल कर एक साथ मिक्सचर तैयार कर लिया है। मुझे मिक्सचर थोड़ा थोड़ा लूज लगा तो मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और डालकर मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर के छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और उन्हें इस तरह से हाथों से गोल करेंगे और इन्हें हाथों से हल्का प्रेस करके टिक्की की शेप दे देंगे। इसी तरह सारे मिक्सचर से टिक्कियां बना लेंगे। सारे मिक्सचर से हमने टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब एक एक टिक्की को लेंगे और इसे मैदे के घोल में डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरह सारी टिक्कियों को मैदे और ब्रेड क्रम से कोट करके रख लेंगे। सारी टिक्कियों को कोट करके तैयार कर लिया है और अब इन्हें करेंगे शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है और अभी इनमें हल्के हाथ से टिक्कियों को डालते हुए बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और किचन टावल पर निकाल लेंगे। चम्मच की सहायता से गर्म ऑयल को
टिक्कियों के ऊपर पोर कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और अभी ने हल्के हाथों से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए टिक्कियाँ बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अभी ने किचन टावल पर निकाल लेंगे। अभी टिक्कियों को हमने क्रिस्पी करारा होने तक सेक लिया है और इन्हें किचन टावल पर निकाल लिया है। अभी इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे हरी स्नैक्स चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, है ना मज़ेदार और हेल्दी भी। तो लगभग 10 मिनट में ही बनकर ये स्नैक तैयार हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे उत्साह को और बढ़ाएं। थैंक यू।